दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप आने वाले तूफान की स्पीड को कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल से ही आने वाले तूफान का पता करना चाहते हैं, आप ये अंदाजा लगाना चाहते हैं जो आपका एरिया है, जिस गांव में बस्ती में आप रहते हैं वहां पर तूफान कब आएगा और उसकी स्पीड क्या होगी, ये आप आसानी से अब अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में ही आने वाले तूफान का पता कर सकते हैं। ये है टेक्निकल दिलजाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। अपने मोबाइल में तेज हवाओं का पता करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है। आपके मोबाइल का कोई सा भी ब्राउजर हो, केवल आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। जैसे कि क्रोम ब्राउजर, ओपरा मिनी और भी अन्य ब्राउजर आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, वैसे फोन के साथ ब्राउजर डिफॉल्ट आता है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर को मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ऊपर यहाँ पर आपको सर्च और टाइप वेब एड्रेस पर टच करना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है मेटो ब्लू। जैसे आप यहाँ पर मेटो ब्लू सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट कुछ इस तरह से आ जाएगी। आपको सिंपल यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन करना है। आप यहाँ पर इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। जब आप वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर परमिशन वगैरह भी अलाउ करनी होती है और यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन सेट करनी होती है। क्योंकि मैंने डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को ओपन किया है तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने भारत की लोकेशन देखनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर लोकेशन पर एक बार टच करता हूँ। और अब आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन सर्च करनी है। मैं यहाँ पर इंडिया सर्च कर देता हूँ। इंडिया सर्च करने पर यहाँ पर अब इंडिया आ चुका है। अब मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली पर टच कर देता हूँ। अब हमारे मोबाइल की जो लोकेशन है वो न्यू दिल्ली सेट हो चुकी है। वैसे कुछ मोबाइल में आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपका ब्राउजर होता है ऑटोमेटिकली लोकेशन ले लेता है। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली लोकेशन यहाँ पर आपकी सही नहीं दिखाता है तो आपको यहाँ पर अपनी लोकेशन सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको जो नीचे का मैप दिखाएगा वो आपकी लोकेशन के हिसाब से ही दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं, आज की वेदर रिपोर्ट ये है, कल की है, परसों की ये है, उससे बाद नीचे तक की आप आने वाले 7-8 दिन की आप वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, आप हर जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी दूसरे देश में भी आप इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 3 लाइन पर टच करना है। 3 लाइन पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई देगा 7 डे वेदर रिपोर्ट। 7 डेज की अगर आप वेदर रिपोर्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आप 7 डेज वेदर रिपोर्ट पर क्लिक रहने दे सकते हैं। 14 दिन की आप वेदर रिपोर्ट चाहते हैं तो आने वाले 14 दिन की आप वेदर रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फीचर और इसमें दिया गया है, वेदर टुडे। यहाँ पर टच करने के बाद आप सैटेलाइट वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर सैटेलाइट का आइकन बना हुआ है और यहाँ पर आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा, इसमें एक ऐसा फीचर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वेबकैम। वेबकैम यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप यहाँ पर वेबकैम पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ लाइव वेबकैम दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ पर जो हमारा इंडिया है, हमारे भारत देश में शायद अभी कोई वेबकैम यहाँ पर सेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप विदेश का देखोगे इसमें तो जिस जगह ज़्यादा हवाएं चलती हैं वहाँ पर वेबकैम लाइव होता है और लाइव आप हवाओं को देख सकते हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग और अच्छा फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए हम यहाँ पर दोबारा अब 3 लाइन पर टच करते हैं और यहाँ पर नीचे आपको एक फीचर दिखाई देगा, वेदर मैप्स। हम यहाँ पर अब वेदर मैप्स पर टच करते हैं और यहाँ पर ये जो इसका फीचर है सबसे मस्त फीचर मुझे लगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने न्यू दिल्ली जो लोकेशन सेट की थी, यहाँ पर न्यू दिल्ली का जो मैप है वो आ चुका है। आप यहाँ पर इसे और जूम कर सकते हैं और जूम करने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है, मैप को हिलाना नहीं है, तो आपको यहाँ पर हवाओं का रुख दिख जाएगा, किस तरफ से हवाएं चल रही हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी लोकेशन ये है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में इस तरफ से ऐसे हवाएं चलती हैं और हवाओं की जो स्पीड वगैरह है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि आज मैं 13 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो रिपोर्ट है आज की है और कल की रिपोर्ट आप यहाँ पर टच करने के बाद कल की रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज की ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप 15 तारीख और यहाँ पर आप इस तरफ स्लाइड करेंगे तो आप अगले दिन की भी रिपोर्ट इसमें देख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर ही इसे टच रहने देता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपनी लोकेशन सेट करने के बाद होल्ड करना है और ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमारे एरिया में हवाएं चल रही हैं और स्पीड वगैरह सब डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे और जूम आउट करके देखता हूँ। अगर आप यहाँ पर इसे जूम आउट करके देखेंगे तो पूरे भारत में हवाएं किस तरफ से आ रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, उनकी क्या स्पीड वगैरह है, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल टेक्निकल दिलजाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।